किसान ये सिर्फ एक शब्द नहीं जो किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखता हो, ये अपने आप में एक जीवन है जो संसार के कण कण को समर्पित है। इसकी कोई सीमा नहीं और ना ही कोई बंधन है। धरती को अपने पसीने से सींचने में इन्हें खुशी मिलती है, दूसरों की भूख मिटाने से इनकी भूख मिटती है। सूरज के उगने से पहले ये उठते हैं और उसके ढलने के बाद तक चलते रहते हैं, ताकि खेत हमेशा लहलहाते रहें और अन्न हर किसी को मिले। ऐसे ही एक कर्मठ किसान है रमेश कुमार वर्मा, जो उत्तर प्रदेश के जिला लखनऊ के कासिमपुर गांव में रहते हैं। रमेश कुमार का निवास स्थान लखनऊ शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। रमेश कुमार वो पहले किसान हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अलग तरीके से बागवानी की, अपने खेतों में नई तरह की सब्जियां उगाई और अपनी सूझबूझ और सफल खेती से सबको चमका दिया। 2000 की आबादी वाले कासिमपुर गांव में अब सभी रमेश के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर सब्जियों की भी बेहतर पैदावार कर रहे हैं। पहले तो था कि जब सब लोग खेत पे अपने हाथ काम करते थे तो कुछ लेबर काम करने, लेकिन पहले हम लोग अपने हाथ करते थे। तो जब सब लोग पिता लोग काम करते थे तो हम भी लोग उसमें काम करते थे, तो उसमें मतलब रुचि पहले से ही थी। पहले हमारे यहाँ मतलब घर पे गोभी टमाटर बंदा ये सब होता था, वही हम भी करने लगे। लेकिन फिर हमने सोचा कि समय के हिसाब से उससे खर्चा पूरा नहीं होता था, हमने सोचा सबसे कुछ अलग किया जाए। तो हम इस हिसाब से करते थे कि कुछ ना कुछ हमारे पास पर डे आता रहे, कि लगातार पूरे साल ऐसे होता था कि एक महीना सब्जी चली फिर उसके बाद बंद हो जाती थी। तो फिर हमने सोचा मतलब कि जो रूटीन बने कि पर डे हमें मंडी जरूर जाना पड़े, कि जिससे कुछ तो खर्चा निकलेगा। तो हमने उस हिसाब से उसका एक रूटीन बनाया कि हम इस समय ये करेंगे तो अपना चलता रहेगा पूरे साल। रमेश आज एक बड़ी जमीन पर खेती करके खुद को और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे रहे हैं, पर सुखों की उनकी ये दुनिया कभी परेशानियों से घिरी हुई थी। एक समय वो भी था जब उनका परिवार गरीबी और मुफलिसी के साए में किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहा था। वो समय जब कभी कभी उनके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। रमेश के जीवन के दुखों का दलदल बस इतना ही गहरा ना था। जब रमेश 10वीं कक्षा में थे तो वो एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सके और उस बीमारी के इलाज ने उनके परिवार को कर्ज में डुबो दिया। जब हम बड़े हो रहे थे, हमारे स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय में बीमारी आ गई थी एक, मतलब गले में जो है वो थायराइड, जो वहाँ से खून बनता था वो खून बनना बंद हो गया था। तो हमारी हड्डियाँ सूख गई थी, जो हमारे पैर टेढ़े उसी से हो गए थे। तो लेकिन जब हमारा ऑपरेशन हुआ तो हमारा सही हुआ कुछ, तो लेकिन डॉक्टर लोगों ने कहा कि आप मतलब पढ़ाई की तरफ जब मतलब जहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना हो वहाँ पर मतलब ज़्यादा वो काम मत करिए 2 साल के लिए। तो फिर हम उसी समय पढ़ाई हमारी छूटती गई, उसका इलाज कम से कम हमारा 3 साल चला। तो फिर जब फिर घर पे रहने लगे तो हम खेत कर रहे, खेती में जाने लगे, घूमने लगे, तो खेती करने लगे। उस समय हमारी मतलब जो घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, कभी कभी मतलब भाई इलाज में हमारे पैसा लग रहा था, उस समय पैसा बहुत कम था आदमी के पास, कभी होता था कि खाने की भी दिक्कत हो आ जाती थी। तो उससे अब वो सब दिक्कतें खत्म हो गई। कई दिनों तक रमेश का इलाज चला, वो ठीक भी हो गए, पर उन्हें चलने में थोड़ी तकलीफ होने लगी। रमेश की पढ़ाई छूट चुकी थी, चलने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। रमेश अपने पिता के साथ कृषि के क्षेत्र में काम करने लगे। कृषि में उनकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। उनके पिता पारंपरिक खेती के साथ सब्जियां भी उगाते थे, जिसकी पैदावार का समय सीमित था, पर रमेश इसे अलग तरह से करने की सोच रहे थे, ताकि उन्हें साल भर सब्जियों की पैदावार मिले। फिर उन्होंने जानकारी हासिल की और सब्जियों की पैदावार में बदलाव लाए। केवीके लखनऊ में एक वहाँ सेमिनार था, वहाँ गए तो वहाँ इंग्लिश सब्जी के बारे में बताया गया कि वहाँ, तो हमने सोचा कि हमारे यहाँ कभी नहीं होती, पूरे लखनऊ में कहीं नहीं होती थी। तो हमें एक पैकेट ब्रोकली का बीज मिला था,
तो फिर हम उसको लगाए, उस पहले तो बिकती नहीं थी लेकिन धीरे धीरे वो बिकने लगी, उससे अब हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब इस समय हमारे पास इंग्लिश वेजिटेबल में कम से कम 15 तरह की हम सब्जियां लगाते हैं मैडम। रमेश कुमार को अपने खेतों में पसीना बहाने के साथ साथ कृषि से संबंधित जानकारियों को हासिल करने का भी शौक था। वो आए दिन कृषि से संबंधित सेमिनार और वर्कशॉप में सम्मिलित होते और बागवानी से संबंधित हर तरह की जानकारी एकत्रित करके उसे अपने खेतों में प्रयोग में लाते। फिर रमेश कुमार ने अपने खेतों में वो किया जो आसपास का कोई किसान नहीं कर रहा था। उन्होंने नई किस्म की सब्जियों के बीज अपने खेतों में बोए और उसकी सफल पैदावार करके लोगों को अचंभित कर दिया। पहले जब ब्रोकली वही करीब 2004 में मतलब बीज हमें मिला था, तो उस समय मतलब हमारी माता जी के मतलब में कैंसर हो गया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये खाने से मतलब उसको कंट्रोल रहता, तो हमने कहा नहीं बिकेगा तो हमारे मतलब उनके खाने के लिए होगी, तो उनके हम खाने के लिए मतलब लगाते थे। फिर धीरे धीरे उसको हम बेचने को, तो जब मार्केट में जाए कुछ लोग कहने लगे कि ये जहर वाली गोभी है, तो हम उनको मतलब फ्री देते कि आप एक दिन ले जाइए खाइए, अगर आपको अच्छी लगेगी तब हमसे लेना, तब हम उनको 5 रुपए की देते थे सिर्फ। और अब तो मैडम मान चलिए वही 40-50 रुपए भी बिक जाती है। वो कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब ये कहाँ बेचोगे, तो हमने सोचा कि हम जैसे मार्केट जाते हैं तो वहाँ जो बड़ी बड़ी कुछ दुकानों पे संपर्क किया, मॉल वाले थे उनसे संपर्क किया, तो फिर उससे फिर हमारा माल बिकने लगा। 2004 में रमेश कुमार ने ब्रोकली के कुछ बीज लाकर अपने खेतों में बोए, जो उस पूरे इलाके में किसानों के लिए एक नई तरह की सब्जी थी। पहले रमेश ने ब्रोकली की पैदावार छोटे स्तर पर की ताकि अगर वो ना बिके तो उसे वो खुद अपने घर में इस्तेमाल कर ले। ब्रोकली की पैदावार को लेकर कई लोगों ने उन पर सवाल भी उठाए, पर रमेश ने ब्रोकली की सिर्फ एक अच्छी पैदावार ही नहीं की बल्कि उसे बाजार में अपनी सूझबूझ से बेचा भी। हमें भी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था कि क्या क्या होता, सिर्फ हमें ब्रोकली हम जानते थे कि ब्रोकली होता। फिर हम एक बार शॉपिंग मॉल वहाँ गए, हमने कहा देखते हैं वहाँ, फिर हमें जैसे लेटूस है, आइसबर्ग है, सैलरी, वहाँ हम सब कागज़ पे नाम लिख के लेकर आए। फिर हम एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर दीपक राय के वीके में, उनके माध्यम से उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा हम बीज आपको मंगा के देंगे। फिर हम अपना उनसे बीज मंगाए और थोड़ा थोड़ा करके ट्रायल पे लगाते थे कि देखें किस सीजन में होगा, हमें ये भी नहीं मालूम था किस सीजन में होगा, तो हम पूरे साल में 2-3 बार लगा देते थे कि ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो उससे फिर हमें मतलब नॉलेज भी बढ़ता गया कि किस समय होगा, कितने टेम्परेचर में होगा। तो इस छोटी सी सफलता से उन्हें प्रोत्साहन मिला और वो निकल पड़े कृषि के आधुनिक पथ पर। रमेश कुमार अपने खेतों में कई किस्म की सब्जियां उगा रहे हैं, जिनमें से मुख्य रूप से वो शिमला मिर्च की खेती करते हैं। शिमला मिर्च की पहले वो नर्सरी करते हैं, उसके 1 महीने बाद उसे लगा देते हैं, समय समय पर उसकी देखभाल करते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। रमेश पूरी तरह से कृषि में डूब चुके थे। नई नई तकनीकों की तलाश में वो लखनऊ शहर घूमने लगे। होटलों में कितने प्रकार की सब्जियों का इस्तेमाल होता है उसकी खुद जानकारी ली। वो बताते हैं कि इस तरह की नई सब्जियों को उगाने की तब कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी और न ही इस तरह की सब्जियों के बीज कहीं उपलब्ध थे। उन्होंने इस विषय पर लखनऊ के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी
कई तरह की जानकारियां और बीज उन्हें मिले। रमेश कुमार ने बीजों को जानकारी के अनुसार अपने खेतों में बोया। उन्हें ये भी नहीं पता था कि किस सीजन में कौन सी सब्जी बोनी है, पर धीरे धीरे एक प्रयोग के तौर पर वो बीज बोते गए और सीखते गए। पहले जो ये इंग्लिश सब्जी है इसकी ट्रेनिंग भी तो नहीं होती थी कहीं, क्योंकि मतलब जो ट्रेनर थे उनको भी तो नहीं मालूम था कि ये क्या चीज़ है। तो जब उनसे जैसे कहीं किसी से बीज मंगाना हो तो उनसे बात करो कि हमें बीज मंगा, तो कहते थे कि ये इसका बीज यहाँ होता ही नहीं। लेकिन कुछ कंपनियों वालों ने फिर हमारी मदद की, वो अपने ऊपर कंपनियों में बात किए तो वहाँ से बीज मंगा के हमको दिए, जिससे मतलब हमें फ़ायदा हुआ। और जो डॉक्टर साहब डॉक्टर दीपक राय, उनसे मतलब हमने जब कहा तो दिल्ली पूसा में है डॉक्टर अवनी सिंह जो क्वालिस का काम देखते हैं, उन्होंने भी बहुत मदद की, जो कि उनसे हमने जो कहा वो बीज वहाँ से मंगा के हमें भेजे हैं। और समय समय वो ट्रेनिंग भी हमें देते रहते हैं, मतलब कि अगर हमें कोई दिक्कत आई उनसे बात कर लिया तो हमें उसका सलूशन दे देते हैं। रमेश कुमार के पूरे परिवार के पास 6 बीघा जमीन थी। कुछ समय के बाद वो जमीन 3 हिस्सों में बराबर बट गई। उनके हिस्से में 2 बीघा जमीन आई, जिस पर वो अपने तरीके से खेती करने लगे। जब आमदनी बढ़ने लगी तो उन्होंने अपनी जमीन पर एक पॉली हाउस का भी निर्माण किया और आसपास से 2 बीघा जमीन और किराए पर लेकर उस पर खेती करने लगे। हमारे घर पे मतलब 6 बीघे जमीन थी हमारे पहले, तो पहले हम पूरे 6 बीघे में हम काम करते थे, लेकिन हमारे मतलब दोनों भाइयों में हमारा मतलब तीनों भाइयों में जमीनें बटी तो 2-2 बीघे जमीन आई। तो ज़मीनें यहाँ मैडम हमारे गांव में बहुत महंगी हैं, तो वो खरीद तो वो सकते नहीं थे, तो हमने अपने 2 बीघे में जमीन में काम शुरू किया। उसमें हमने 1,000 स्क्वायर मीटर का पाली हाउस भी लगाया और आसपास के 2-2 बीघे खेत किराए पर भी लिए, तो उसी 4 बीघे में अभी खेती करा रहे हैं। क्योंकि हम मतलब ये देख रहे हैं कि चाहे आप ज़्यादा में करके कमा लें थोड़े में करके, तो हमारा ये रहता है कि थोड़े में तो ज़्यादा कमाया जा सके। अगर हम पूरे साल काम करते तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लाख रुपए बचता था हमारा, वैसे तो हम करीब 8 से 10 लाख रुपए साल में कमा लेते थे। रमेश कुमार अपने खेतों में कई किस्म की सब्जियां उगा रहे हैं, जिनमें से मुख्य रूप से वो शिमला मिर्च की खेती करते हैं। शिमला मिर्च की पहले वो नर्सरी करते हैं, उसके 1 महीने बाद उसे लगा देते हैं, समय समय पर उसकी देखभाल करते हैं। रमेश कुमार शिमला मिर्च से लगभग 80 से 85 क्विंटल फसल लेते हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छी आमदनी हो जाती है। शिमला मिर्च की खेती जुलाई के 2 सप्ताह में हम लोग उसकी नर्सरी कराते हैं, और जब नर्सरी 25 दिन से अरे 1 महीने की हो जाती मान चलिए 30 दिन की, तब उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं खेत में, मतलब लगा देते हैं। और लगाने के मान चलिए करीब वही 80 से 85 दिन पर फसल देना मतलब शुरू हो जाती है। और इसकी मतलब समय समय पर इसकी बनाई की जाती है। आप देखते हैं हर पौधे में सिर्फ 2 डाले या 3 डाले लेकर चलते हैं हम लोग उसके, और जितने शाखाएँ होती काटते चले जाते हैं ऊपर, उसमें कीड़ और रोग देखना पड़ता है। तो हर साल जो था लगभग 40 से 50 क्विंटल माल निकलता था, मतलब एक जो हमारा 1,000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है इसमें करीब 50 क्विंटल शिमला मिर्च निकालते थे, और वो करीब करीब 5 लाख रुपए के आसपास होती थी। रमेश कुमार साल में 3 बार शिमला मिर्च की पैदावार लेते हैं। शिमला मिर्च को इतने बड़े पैमाने पर उगा कर कहां बेचना है, ये भी रमेश ने पहले से ही तय कर लिया था। रमेश कुमार अपनी पैदावार को शहर के बड़े मॉल से लेकर होटलों तक पहुंचाते हैं। 3 बार 3 फसल देती हैं। जो पहला लगता है वो नवंबर में लग जाता है, मतलब वही नवंबर में फल लगना शुरू होता है, और 15 अक्टूबर शुरू हो जाता है लगना, और 25 नवंबर के आसपास पकना लगता है। उसके बाद 1 फरवरी में लगता है, जो वो अप्रैल में टूटता है, अप्रैल में लगता है जो अब जून तक चलता है। वो शिमला मिर्च हमारी जैसे तैयार हुई तो जो बड़े बड़े माल हैं उनके वेंडर हैं उनको देते हैं, और जो वॉलमार्ट है वॉलमार्ट में डायरेक्ट हम देते हैं वहाँ पे हम वेंडर स्वयं हैं, और जो होटल के वेंडर हैं उनको देते हैं। रमेश कुमार को अपनी पैदावार की एक बेहतर आमदनी मिले, इसके लिए भी उन्होंने अपनी पैदावार को एक बड़े बाजार तक पहुँचाया। रमेश के संघर्ष की एक कहानी इससे भी जुड़ी हुई है। शिवम कुमार कासिमपुर गाँव में ही रहते हैं, वो एक किसान हैं। शिवम रमेश को अपना गुरु मानते हैं। एक समय था जब शिवम के पास कोई रोजगार नहीं था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने खेती करने की ठानी।
रमेश कुमार से उन्होंने कृषि के गुण सीखे और आगे बढ़ते रहे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हमारे परिवार में हमारा जो परिवार बहुत बड़ा भाई, हम 3 भाई हैं, 2 बहनें थी, सबकी शादियाँ हो गई हैं। हमारे पिताजी हैं, हमारे साथ रहते हैं, और जी हमारे 3 बेटी और 1 लड़का है। जो बड़ा लड़का है तो वो इस समय ग्रेजुएशन फाइनल कर चुका है, और बड़ी लड़की वो BA फाइनल कर रही है, और जो मंझली बेटी है वो इंटर में है, और छोटी बेटी है हाई स्कूल में। खेती में अभी जब स्कूल खुलता तो सब लोग स्कूल जाते हैं, जैसे घर पे कभी छुट्टी हो या अपना हुआ तो खेत में भी जाते हैं, अपना जो होता है काम हाथ बटाते हैं। रमेश का दिन शुरू होता है सुबह 3 बजे। सबसे पहले वो शहर जाते हैं अपनी पैदावार की मार्केटिंग को समझने। मंडी का भ्रमण करने के बाद लगभग सुबह 10 बजे वो अपने खेतों में आ जाते हैं। दोपहर में थोड़ा आराम करने के बाद वो शाम को फिर से खेतों में जाते हैं, ताकि ग्राहकों को अपनी पैदावार पहुंचाने का एक बेहतर प्रबंध कर सकें। हम वही 3 बजे उठते हैं, उसके बाद अपना प्रेस और लखनऊ चले गए मंडी, मंडी में सामान बेचे। अब वैसे आज जैसे हम जल्दी आ गए, लेकिन वैसे हम 9 से 10 के बीच में घर आते अपने, फिर अपने एक चक्कर खेत में गए, देख के वापस दोपहर में आराम किए, फिर शाम को वही 3 बजे अपने खेत पहुँच जाते हैं। कुछ अपना जो काम देखना हुआ या बताना हुआ लेबरों को बताएं, और उसके बाद माल के लिए मंडी की तैयारी करने लगेंगे, जो माल कटना है कहाँ जाना है, क्योंकि शाम को 3-4 बजे से ऑर्डर आने लगते हैं किसको क्या चाहिए। रमेश कुमार ने अपनी फसलों को बेचने के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। जैसे हमारे पास जब सब्जी हो रही थी तो वॉलमार्ट का खुला, तो एक NGO चल रहा था सुनहरा, उस समय तो हमारे गाँव में काम कर रहे थे, तो उन्हीं के मार्फत से हम लोग वॉलमार्ट से जुड़ गए। वॉलमार्ट में हम वेंडर भी बना दिए गए वहाँ, तो जिससे हमारे पास कुछ माल हुआ तो हम उनसे बता देते हैं हमारे पास ये सब्जी तैयार है इस समय, तो वे हमें ऑर्डर दे देते हैं कि आप हमें दे दीजिए, हम उनको दे देते हैं। या जिससे जो बिग बाज़ार स्पेंसर, उसमें हम डायरेक्ट दे देते हैं, उनके जो वेंडर हैं, वेंडर जो हमसे मांगते हैं उनको देते हैं माल। जिससे बिग बाज़ार है, स्पेंसर था, वॉलमार्ट है, और जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ, और जो होटलों में सप्लाई लेते हैं, आपने लखनऊ में जितने भी 5-स्टार होटल हैं, वो जितने लोग सप्लायर हैं उनसे हमारा सबसे कांटेक्ट है, कि हमारे पास जो तैयार होता है उनसे बता देते हैं हमारे पास ये माल है, तो जब उनके पास ऑर्डर होता है हमें ऑर्डर दे देते हैं। लखनऊ जैसे बड़े शहर में उनका रोजाना जाना होता है, जहां के मॉल, बड़े होटल्स, और यहां तक कि वॉलमार्ट और बिग बाजार जैसी बड़ी कंपनियों तक को उन्होंने अपना उपभोक्ता बनाया है, और अब उन्हें नियमित रूप से हर तरह की सब्जियां मुहैया करा रहे हैं। हम कोई भी समय हो या कोई भी महीना हो, पूरे साल लखनऊ जरूर जाते हैं एक चक्कर दिन में, क्यों जब तक मैडम बाहर नहीं निकलेंगे जान नहीं पाएंगे हम क्या बिक रहा है, क्या हमारे यहाँ हो सकता है। भाई जब अगर आप मार्केट से बाहर निकलेंगे तो मार्केट में देखेंगे क्या चीज़ नई बिक रही है, तो आप उसको अगर तैयार करें तो आपको पैसा तो अच्छा मिलेगा ही। शिवम कुमार कासिमपुर गाँव में ही रहते हैं, वो एक किसान है। शिवम रमेश को अपना गुरु मानते हैं। एक समय था जब शिवम के पास कोई रोजगार नहीं था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने खेती करने की ठानी। रमेश कुमार से उन्होंने कृषि के गुण सीखे और आगे बढ़ते रहे। तब शिवम को यह एहसास हुआ कि युवाओं के लिए कृषि भी एक बेहतर व्यवसाय हो सकता है, जिसमें वो अपना भविष्य संवार सकते हैं। आज वो अपने इस व्यवसाय से बेहद खुश हैं। रमेश भैया को मैं अब एक टीचर के रूप में मानता हूं, क्योंकि खेती तो सभी हमारे गांव में करते थे और करते हैं, लेकिन रमेश भैया एक नई चीज़ ले करके गांव में आए, और तब आए जब ये इंग्लिश वेजिटेबल्स को कोई जानता भी नहीं था। वो ब्रोकली उगाते थे तो गांव वाले कहते थे अरे ये तो हरी गोभी है, इसे कोई खाएगा नहीं।
तो तब मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बाद में जब पढ़ाई करने के बाद मुझे अच्छा रोजगार नहीं मिला तो इसी में खेती में हमने अवसर देखा और रमेश भैया के पीछे चल पड़ा। उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई, उसका सीड कहाँ से लाना है और कहाँ बेचना है और कैसे होगा, तो लगभग ये सारी चीज़ें हमने उन्हीं से सीखी है और एक नई सोच सीखी, एक नया रास्ता उन्होंने हमें दिखाया कि आपको इस तरफ चलना है। तो उनका उनको फॉलो करते करते आज मैं खुश हूँ और मेरे साथ खेती से जो व्यापार हो रहा है उससे मैं खुश हूँ और 8-10 लोगों को मैं खुद रोजगार दे रहा हूँ। शिवम अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जब उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं था, जब वो पूरी तरह अपने पिता पर निर्भर थे, तब उनका परिवार कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा था, किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब उनके पिता ये देखकर बहुत खुश हैं कि शिवम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जब आमदनी होती नहीं है तो हम लोग अपने पिताजी के ऊपर आश्रित रहते थे, जो वो कमाते थे उसी में सबका काम चलता था। आज हम लोग खुद कमा रहे हैं तो आज हमारे पिताजी को भी कोई हेडेक या टेंशन नहीं रहती कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, या हमेशा ये सोचते रहते कहीं नौकरी कर लो। तो आज उन खुद देख रहे हैं कि हमारे बच्चे दूसरों को नौकरी दे रहे हैं और काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें घर में खुशहाली आई कि एक जो समस्या थी नौकरी की अपनी और अपने परिवार की, अपने बच्चों की, तो वो सारी समस्याएं ख़त्म होती दिख रही हैं और इनकम भी होती है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे गांव में लगभग वही 2000 के आसपास आबादी है इसकी, और लगभग हर परिवार से हर कुछ ना कुछ सब्जी का काम पूरे गांव में होता है। अभी आप देखें, मतलब हमारे गांव में हर कोई सब्जी का काम जरूर करता है और सभी लोग मतलब अच्छी से अच्छी खेती करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ शिवम ही नहीं, आसपास के ज्यादातर किसान रमेश से प्रभावित हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। रमेश ने अपनी मेहनत से कृषि से संबंधित आधुनिक तकनीकों को सिर्फ अपने खेतों में ही नहीं बल्कि दूसरों के खेतों तक भी पहुंचाया। रमेश का मानना है कि कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो कभी खत्म नहीं होता, जीवन भर चलता ही रहता है। किसानी तो एक ऐसी, अगर हमारे पास खेती तो हमारे मतलब बच्चे और उनके परिवार मतलब कभी भूखा नहीं सोएगा, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अब जिस हिसाब से व्यापार खेती का बढ़ रहा है, अब 2-3 गांव में मैं खेती करवाता हूं तो वहां के सारे लोग तो आते हैं, पूछते हैं कैसे क्या होना चाहिए। अब जो कोई अगर पेपरमिंट की खेती कर रहे हैं तो उसमें कौन सी वैरायटी होनी चाहिए और कब लगना चाहिए, उसमें क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी जानकारी हमसे लेते रहते हैं वो खेती देख करके कि भाई इनकी फसल अच्छी चल रही है तो इनसे हम पूछ सकते हैं। तो गाँव वाले आकर के पूछते रहते हैं और सलाह लेते रहते हैं। रमेश को उनके काम के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। ये जो लगे हैं सारे हमें अवार्ड मिले हैं, ये हमें कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ से जो किसानों के अवार्ड मिलता है वहाँ से मिला था, और ये हमें जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से कुछ बच्चे यहाँ के ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो वो किसान दिवस के अवसर पर हमें मतलब सम्मानित किए थे, उसके लिए हमें ये सर्टिफिकेट दिया था और ये मेमेंटो दिया था। और जो ये आप देख रहे हैं, ये पिछले इस साल हमें मार्च में वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि रत्न पुरस्कार मिला था, तो ये वहाँ से मिला था। वो ये हमें महिंद्रा एग्री अवार्ड मिला था 2017 में। रमेश कुमार ने अपनी मेहनत और लगन से आधुनिक खेती करके कृषि के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसने दूसरे किसानों का भी हौसला बढ़ाया है और उन्हें एक सफल किसान बनने के लिए राह दिखाई है। हमारी जिंदगी में यही ज्यादा मैटर करता है कि हम खुश रहें। पैसा तो सेकेंडरी है, हम खुश रहेंगे तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है खेती बाड़ी का, तो खेती बाड़ी करते हैं और ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करते हैं, नेचुरल खेती करते हैं। पहले साल जब खेती हुई हमारी तो पूरे में घास घास और क्रॉप के माना हमने कुछ नहीं, लॉस पूरा। सब हंसी उड़ाने लगे कि सब शहर से आए हैं। ख्वाहिशें दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान इनके अंदर।
कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर ना डर कोई ना फिकर कोई ना बंधन का है चक्कर जिन पंखों की परवाह नहीं उड़ाने इनके अंदर ये है मस्त कलंदर 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 ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त